नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे चली मुलाकात, भारत की दो टूक, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। सीएम योगी बोले, विकास का नया मॉडल बनेगा बुंदेलखंड, जैविक खेती का बनेगा हब। शिक्षक दिवस पर सीएम गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को बधाई, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को किया याद। अब खबरें विस्तार से। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता है। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। विदेश सचिव ने कहा कि हमने 1962 के युद्ध के बाद इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी, पहली बार पिछले 40 वर्षों में सैनिकों की जान गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा कार्रवाई कर फैक्ट्स बदलने की कोशिश की गई है। विदेश सचिव श्रृंगला का यह बयान मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी समक्ष की गई बैठक में ठीक पहले आया। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग के बीच बैठक हुई। गलवान में 20 जवानों की शहादत पर विदेश सचिव ने कहा कि एलएसी पर पिछले 40 साल से पहली बार हमने अपने जवान खोए हैं। भारत भले ही तनाव खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है लेकिन इसे हमारी कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा कि हम कड़ाई से इसका सामना करेंगे और इसे रोकेंगे। जहां तक हमारा सवाल है कि तो हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सरहदी इलाके में जब तक अमन चैन कायम नहीं होगा तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं चल सकते। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, इसीलिए हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। हम संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मंडल के सांसद और विधायकों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को जैविक खेती का रोल मॉडल बनाया जाए। समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद चित्रकूट विकास का प्रवेश द्वार होगा। उन्होंने कहा कि हम बुंदेलखंड को जैविक खेती का हब बनाना चाहते हैं। इससे जहरीले रासायनिक खादों से मुक्ति तो मिलेगी ही, उत्पाद की कीमत अधिक मिलने से किसान भी खुशहाल होंगे। मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाए और उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों को पूरा करते हुए इनकी निधियों का पूरा सदुपयोग किया जाए। सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि किसानों को जैविक और जीरो बजट कृषि के प्रति जागरूक करें, इससे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा से निजात भी मिलेगी और किसान अच्छी नस्ल के गोवंश पालने के लिए प्रेरित होंगे। अगर हम ऐसा कर सके तो पूरे देश में बुंदेलखंड की नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार बुंदेलखंड के हर घर के साथ घर खेत तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कार्रवाई तेजी से प्रचलित है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अमल में आने पर हम हर खेत तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु ही वह व्यक्ति है जो एक आम इंसान को शिक्षा का पाठ पढ़ाकर उसे खास बना देता है। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। लोग तरह तरह से अपने शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्यवासियों को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक महान शिक्षक भारत डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। एक दार्शनिक, अकादमिक और राजनेता के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में, समाज को नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सभी को पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने में शिक्षकों की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विद्यार्थियों का आह्वान है कि वे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भारतीय परंपरा का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश प्रदेश के विकास में भागीदार बने। आपको बता दें कि भारत में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दोस्त उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ बल्कि शिक्षकों का सम्मान करो। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। अब खबर राजधानी जयपुर के पावटा क्षेत्र से। महानिरीक्षक पुलिस के एस सेंगाथिर व जयपुर ग्रामीण अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि 5 अगस्त बुधवार को प्रागपुरा थाना में उपस्थित होकर अनूप कुमार पुत्र राजू यादव जाति यादव उम्र 19 साल निवासी बसई भालोजी थाना कोटपुतली ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 4 अगस्त मंगलवार को मेरे पड़ोसी जसवीर सिंह शेखावत के साथ शाम करीब 6:30 पर राजनोता से बिजली का बोर्ड लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे सफेद रंग की कार में बैठे बदमाशों ने मुझे रोक लिया। वह मारपीट करते हुए मेरे साथी जसवीर सिंह का मोबाइल छीन लिया। वह मेरे 2 मोबाइल, ATM और 150 रुपये नकद, 2 सोने की अंगूठी व 2 चांदी की अंगूठी, 1 सोने की गले की चेन, 6 नकर मुझे भाबरू साबी नदी की पुलिया के पास पटक कर फरार हो गए। प्रागपुरा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा व वृत्ताधिकारी दिनेश यादव के निर्देशन में वह प्रागपुरा थाना प्रभारी दलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक टीम गठित कर टीम में राम कुमार हेड कांस्टेबल, रमेश कांस्टेबल, धर्मेंद्र कांस्टेबल, जगत सिंह कांस्टेबल, मायाराम कांस्टेबल द्वारा अज्ञात मुलजिमों की तलाश प्रारंभ करते हुए मोबाइल नंबरों को ट्रेस करते हुए कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्ध मुलजिम पिंटू सैनी निवासी चोमू को दस्तयाब कर सख्ती से पूछताछ करने पर घटनाक्रम के बारे में बताया। वह अंजाम देने को स्वीकारा, जिस पर पिंटू सैनी सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुलजिम पिंटू सैनी ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि अनूप यादव व राम सिंह सैनी के बीच पहले किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। वहीं 4 अगस्त मंगलवार को राम सिंह सैनी अपने परिचित पिंटू सैनी निवासी चोमू को फोन पर अनूप यादव को सबक सिखाने की बात कही, जिस पर पिंटू सैनी I-20 कार से अपने 3 साथियों के साथ राजनोता पहुंचा, जहां राम सिंह सैनी ने अपने भतीजे कालूराम सैनी को उनकी मदद के लिए उनके साथ भेजा। कालूराम सैनी ने अनूप यादव के साथी जसवीर के फोन पर कॉल करके उसकी लोकेशन बताई, जहां अनूप यादव घर का सामान खरीदने राजनौता आया हुआ था। कालूराम सैनी पिंटू सैनी व उसके साथियों को घात लगाकर नदी में बिठा देता है। वह खुद मोटरसाइकिल से अनूप यादव के पास राजनौता पहुंच जाता है। वह घात लगाए बैठे लोगों को अनूप की लोकेशन बताता रहता है। शाम करीब 6:30 पर अनूप अपने साथी जसवीर सिंह के साथ राजनोता से बिजली का बोर्ड लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे सफेद रंग की कार में बैठे पिंटू सैनी व उसके साथियों ने अनूप व उसके साथी जसवीर सिंह को रोक लिया। वह मारपीट करते हुए साथी जसवीर का मोबाइल छीन लिया। वहीं अनूप यादव के 2 मोबाइल, ATM, 150 रुपये नकद, 2 सोने की अंगूठी व 2 चांदी की अंगूठी, 1 सोने की गले की चैन छीनकर मुझे भाबरू नदी साबी नदी की पुलिया के पास पटक कर फरार हो गए। यह षड्यंत्र राम सिंह सैनी द्वारा अनूप यादव को सबक सिखाने के लिए रचा गया था। उक्त मामले में प्रागपुरा पुलिस ने पिंटू सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी जाति माली उम्र 28 निवासी ढाणी दुल्ले सिंह कीर्तन चोमू, राम सिंह सैनी पुत्र सोहनलाल सैनी जाति माली उम्र 43 साल निवासी दादुका, पंकज उर्फ कालू पुत्र रामेश्वर जाति माली उम्र 27 साल निवासी दादुका को गिरफ्तार कर प्रागपुरा पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है।
जयपुर ग्रामीण अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने इस मामले में सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र व नगद पुरस्कार की घोषणा की। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत निर्भया स्क्वाड 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएगी। एडिशनल डीएसीपी सुनीता मीना के नेतृत्व में निर्भया स्क्वाड महिला पुलिस टीम अपनी बीट के क्षेत्र में स्कूल स्कूल जाकर शिक्षकों को ग्रीटिंग कार्ड देकर शिक्षक दिवस की बधाई देगी। सुनीता मीना ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल में विद्यार्थियों के लिए प्रवेश बंद होने से बच्चे शिक्षक दिवस नहीं मना सकते हैं। सुनीता मीना ने कहा कि शिक्षकों की कर्म निष्ठा वे शिक्षा दान के कारण ही छात्र अपने जीवन में सफलता के नए सोपान छूते हैं और ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। कोरोना के समय जब स्कूल और अभिभावक दोनों ही मुसीबतों से घिरे हैं, ऐसे में शिक्षकों ने शिक्षा के प्रसार को हर मुश्किल के बावजूद जारी रखा और शिक्षक दिवस के दिन ऐसे ही कर्मठ व निष्ठावान शिक्षकों का सम्मान करना अति आवश्यक है। कोरोना के कारण विद्यालयों में जाकर ही शिक्षकों को उनकी अथक सेवाओं के लिए ग्रीटिंग कार्ड से सम्मान वितरित किए जाएंगे। शिक्षकों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया स्क्वाड शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करेगी, साथ ही उन्हें कोरोना बचाव के लिए जागरूक भी करेगी। इसके अलावा महिला शिक्षकों को महिला समानता के अधिकारों व महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी भी देगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही जो गोविंद दियो बताए। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। हम जो कुछ भी हैं वो आप लोगों की वजह से ही है। असली कोरोना वॉरियर्स आप हैं जो कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी बच्चों को ऑनलाइन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वास्तव में आपको दिल से प्रणाम, दिल से सैल्यूट। अब खबर भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से। बदलते परिवेश के साथ समाज को व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाकर शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जिससे समाज की प्रतिभा पढ़ लिख कर आगे बढ़कर गांव ढाणी का नाम रोशन कर सके व समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। यह बात अखिल भारतीय गुज्जर महासभा मांडलगढ़ के तहसील अध्यक्ष भैरूलाल गुज्जर ने आयोजित बैठक में युवाओं को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कही। गुज्जर समाज के ब्लॉक प्रवक्ता नंदलाल गुज्जर ने बताया कि इस मौके पर नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक कुरीतियों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच गुज्जर ने छात्रावास भीलवाड़ा के निर्माण के लिए वीर गुज्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा को 11,000 रुपए का सहयोग, गुज्जर समाज में शैक्षणिक जागरूकता के लिए समर्पित संस्था देव फाउंडेशन सोसाइटी भीलवाड़ा को 11,000 रुपए का सहयोग एवं द्वारकाधीश गोशाला काचोला में 1,100 रुपए का सहयोग किया। इस अवसर पर नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज में शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस अवसर पर गुज्जर समाज के नवयुवक कार्यकर्ताओं ने पूर्व सरपंच के जन्मोत्सव पर भी फलदार व छायादार पौधे का पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर नीव वर्तमान पंचायत समिति सदस्य रतन गुज्जर, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष बद्रीलाल गुज्जर, पूर्व सरपंच महावीर मीना, सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल गुज्जर, प्रभु मीना, मथुरा लाल गुज्जर, अरनाथ गुज्जर आदि उपस्थित रहे। समाज में होने वाले फालतू के फिजूल खर्च को रोककर बच्चे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें ताकि समाज का सही मायनों में विकास हो सके। सभी को मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इन दिनों बारिश का मौसम है, प्रत्येक परिवार को एक एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए। आज मैंने गुज्जर छात्रावास भीलवाड़ा, देव फाउंडेशन भीलवाड़ा, गौशाला आदि में आर्थिक सहयोग किया है। जय हिंद, जय भारत। अब खबर झालावाड़ जिले के गंगधार से। चौमहला क्षेत्र में फफूंद जनित रोग की वजह से खरीफ की फसल सोयाबीन, उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि सरकार की ओर से टीम भेजकर फसलों का सर्वे करवाया जाए तथा उचित मुआवजा दिलाया जाए।
आज हमारे स्थानीय संवाददाता सुरेश सिंह भाटखेड़ी वे बिलावली गांव पहुंचे, जहां खेतों में जाकर फसल को देखा और किसानों से बातचीत की। तो किसानों ने बताया कि एक तरफ तो कोरोना ने मानव जाति को प्रभावित किया है, वहीं पीलिया रोग फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। अब खबर झुंझुनू जिले से। पुराने समय से ही शेखावाटी के सेठ साहूकार अपनी दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तर्ज पर झुंझुनू मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर बगड़ कस्बे में सेठ पीरामल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सेठ पीरामल ने बगड़ कस्बे में कस्बे वासियों के पशुओं के लिए 350 बीघा जमीन चारागाह के लिए दान की, साथ ही पशुओं के पानी पीने के लिए तालाब भी निर्माण करवाया, जिसमें कस्बे के पशु चारागाह के चर के पानी पी सके। वहीं इसी चारागाह में एक शिवालय का भी निर्माण करवाया गया। पर दुर्भाग्य यह है कि जिस सकारात्मक सोच को लेकर सेठ पीरामल ने अपनी गाढ़ी कमाई से बहुमूल्य जमीन कस्बे वासियों के पशुओं व आवारा पशु के लिए चारगाह के लिए दी थी, वर्तमान में उसी जमीन को आज नगर पालिका बगड़ ने कस्बे को कचरा पात्र बनाकर रख दिया है। सारे कस्बे का कचरा इकट्ठा होकर गिरता है इस गोचर भूमि में। जी हां, बगड़ नगर पालिका हर वार्ड से कचरा संग्रहित कर इस गोचर भूमि में इकट्ठा करती है। कचरे में आई गंदगी व पॉलीथीन इन पशुओं के लिए मानो मौत का कारण बन गई है। जहां कुछ वर्षों से पहले कस्बे के पशु इस चारगाह में लगी घास खाकर अपना पेट भरते थे, वही पशु आज यहां कस्बे का कचरा व पॉलीथीन खाकर मरने की कगार पर हैं। हैरानी की बात यह तो यह है कि पालिका प्रशासन कस्बे के कचरे के साथ साथ कस्बे में मरने वाले मवेशियों को भी इसी गोचर भूमि में डालते हैं, जिससे इस गोचर भूमि का वातावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही उन मवेशियों को खाने के चक्कर में यहां आवारा कुत्तों का भी जमावाड़ा लगा रहता है, जो कि मृत मवेशियों के साथ साथ यहाँ चरने वाले जीवित पशुओं को भी खा जाते हैं। गोचर भूमि में बने शिव मंदिर में आने वाले भक्त भी परेशान हैं। शिवालय के पुजारी राम अवतार स्वामी ने बताया कि पालिका द्वारा पूरे कस्बे का कचरा संग्रहित कर इस गोचर भूमि में व इसमें बने शिवालय के पास डालने से मंदिर में आने वाले भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कचरे से फैलने वाली गंदगी से यहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। वहीं सावन के महीने में बारिश के समय तो यहाँ हालात और भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि सावन में कस्बे वासी कावड़ लाकर यहाँ के शिवालय में भगवान शंकर को कावड़ चढ़ाते हैं। पालिका के पास नहीं है कचरा निस्तारण की जगह। वहीं बगड़ नगर पालिका AEO से बात करने पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पालिका के पास कचरा निस्तारण के लिए जगह नहीं है। जगह के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही कचरा निस्तारण के लिए जगह की व्यवस्था हो जाएगी, तुरंत समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये गोचर भूमि पीरामल द्वारा गायों के लिए दान में दी हुई है श्री गौरीशंकर गौशाला बगड़ को, और ये अभी गौशाला की कस्टडी में है। नगर पालिका यहाँ कई सालों से कचरा डाल रही है, इनको कई बार गोद कराया गया है, लेकिन अभी तक कचरा नहीं डाला और दूसरी जगह नहीं डाल रहे हैं और कचरा खा के गायें मर रही हैं। समस्या ये है कि यहाँ पर ये जो सामने गोचर भूमि है, इसमें नगर पालिका वाले पिछले 4-5 साल से सारे शहर का सीवरेज का डिस्पोज्ड गंदगी और मरे पशुओं को लाकर डालते हैं। इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे जंगली कुत्ते भी हो गए हैं, और दूसरी बात गंदगी इतनी ज़्यादा रहती है, थैलियाँ वगैरह पड़ी सारे अंदर इसमें फैल गई हैं, जो यहाँ सैकड़ों गायें चरती हैं आसपास के गाँवों की और बगड़ की, वो ये थैलियाँ खाती हैं और खाकर बहुत सारी बीमार होकर मर जाती हैं। और शहर में भी जो कोई पशु मरता है, गाय या भैंस, उसको लाके भी ये लोग यहीं डालते हैं। और नगरपालिका में इसकी शिकायत कई बार की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी डाल रहे हैं, अभी तक बंद नहीं किया है। और कोई उच्च स्तरीय शिकायत भी की है मैंने, राजस्थान सरकार के जनसंपर्क पोर्टल पे शिकायत डाली है, वहाँ से 2 बार उनका फ़ोन भी आया है कि आपकी समस्या का उनको बता दिया गया है, और उन्होंने बोला हमने उसका निदान कर दिया है, लेकिन निदान अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पास में पर्याप्त मात्रा में कचरा डालने हेतु जगह उपलब्ध नहीं है। जगह उपलब्ध के संबंध में प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन के
प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त पत्रावली जैसे ही जगह आवंटित होती है उसके नियमानुसार डंपिंग यार्ड और कंपोस्ट का नियमानुसार निस्तारण कर वहाँ कचरा डालने की कार्रवाई की जाएगी। जब तक निस्तारण की जगह नहीं मिलती है क्या तब तक कचरा यहीं इसी जगह पर डाला जाएगा? अस्थायी रूप से कचरा डाला जा रहा है, वो जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण से ही आगामी आदेश तक, जिला प्रशासन के आगामी आदेश तक यहीं कचरा डाला जा रहा है। लोगों को कहना है कि वहाँ पर जो फैल कचरा है वो आसपास के खेतों में भी फैल रहा है जिससे लोगों के खेतों की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। साथ ही एक बड़ा धार्मिक स्थल भी वहाँ पे है, भूतनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नगर पालिका द्वारा शहर के दूरी पर शहर के आवासीय आबादी से दूर कचरा स्थान का नियमानुसार निस्तारण जेसीबी से डंपिंग करके उसके बाद किया जा रहा है कचरा फैलने की, अगर ऐसी कोई समस्या तो उसका यूँ है कि ये पिरामल जी की गोचर भूमि दी हुई है गांव के पशुओं के चरने के लिए और ये 200-250 बीघा के करीब ज़मीन है। उन्होंने मतलब गौशाला को गायों के लिए डोनेट कर दी थी। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, वो उसमें भी गंदगी भरी हुई है थोड़ी, और बगीची है और एक शिव मंदिर है, भूतनाथ मंदिर सार्वजनिक। तो यहाँ पर मतलब के नगर पालिका कूड़ा करकट डालती है जिससे क्या है कि आवारा पशु जो गांव के आते हैं वो इसे प्लास्टिक वगैरह खा करके मर रहे हैं, जार बदबू आती रहती है, तो यहाँ पर आने वाले भक्तों को बड़ी परेशानी होती है। बगर नगर पालिका आप भीड़ है, ये भीड़ कमा सेठ साहूकार या मूक जानवर चराई के लिए जमीन छोड़ी थी कि आवारा जानवर चरबोक रहे, गौशाला की गायें चरबोक रहे। आज स्थिति यह हो रही है, कपड़े नगर पालिका कचरों घेर रही है और पूरी भीड़ कचरे से भरी पड़ी है, प्लास्टिक से भरी पड़ी है। वैसे आप बेचारा जानवर जी का मर गया है, अड्डियाँ को ढेर लाग रहे है और मैं आस पास जोर भी जो खेती है वह सारी ख़राब हो रही है। नगर पालिका ने कह दी, कलेक्टर ने शिकायत कर दी, कठे कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, जो बड़ो दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका की निजी की ज़मीन है, कचरों घेरने की वह उपयोग को नहीं करे, वह लोग कब्जा कर रहा है और जी का निकम्मा अधिकारी है। अब खबर श्री गंगानगर के जिले के घड़साना क्षेत्र से। शिक्षा समिति द्वारा संचालित सूर्या पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी राकेश सारस्वत ने बताया कि विद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य भूपेंद्र अरोड़ा वे विद्यालय के व्याख्याता संजीव मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक दीपक के समान जलकर विद्यार्थी के जीवन में प्रकाश भरता है। कोरोना वैश्विक बीमारी के कारण विद्यालय बंद हैं, जल्द ही भारत कोरोना पर विजय पाएगा और फिर से विद्यालय खुल जाएंगे। इस अवसर पर शीशपाल वर्मा, आरिफ खान, तीर्थ सिंह भुल्लर, अमनदीप सिंह, अनमोल कामरा, सर्वजीत कौर, छवि अरोड़ा, रूबी बंसल, उषा धिंगड़ा, राजविंदर कौर आदि उपस्थित रहे। शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस एक दिवस नहीं है, एक संदेश है। ये पूरे देश को, पूरे मानवता को एक संदेश है। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। एक संदेश है कि एक व्यक्ति अपने जज्बा के द्वारा छोटे से जीवन से वो बड़े मुकाम पा सकता है। जीवन में अगर व्यक्ति छोटा भी है लेकिन उसके अंदर एक जज्बा हो, एक संकल्प हो, कुछ बड़े करने की क्षमता हो या बड़े करने की उसकी लालसा हो, तो व्यक्ति महानतम ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जिसका जीता जागता आपको सबूत सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति तक। भारत रत्न 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। एक व्यक्ति सज्जनता, शालीनता और
अपनी उदारता से व्यक्ति इतनी सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचा है, तो ये सभी शिक्षकों के लिए एक आदर्श रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक संदेश है कि अगर जीवन में कोई भी ऊंचाई छोटी पड़ जाती है, अगर व्यक्ति के अंदर उसका सामर्थ्य, उसका जज्बा कुछ कर गुजरने की स्थिति उसके अंदर है, क्षमता है, तो व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, विदेशों में भी ये प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो एक शिक्षक समाज के लिए आदर्श जीवन प्रस्तुत किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज ये कोरोना काल में भी यही संदेश कि हम अपने घरों में भी बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन अमूल्य है, जीवन बचाना जरूरी है, लेकिन अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। हमारे दिमाग की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, अपनी बैटरी को 90% या 100% चार्ज पे रखना है कि हमारा मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। ये कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, इसी संदेश के साथ ये सभी देशवासियों को, सभी बच्चों को ये संदेश है कि इस घड़ी में हमें धैर्य रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलना है जिन्होंने एक आदर्श अपने जीवन में दिया है, और उसी के पद चिन्हों पर चल कर। सर, आज इस पावन अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पावन अवसर पर जैसा कि हर वर्ष की भांति 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस तरह इस बार थोड़ा सा अलग ही शिक्षक दिवस है। यहाँ पर बच्चों की मौजूदगी नहीं है क्योंकि कोरोना काल में सभी बच्चे घर पर ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो शिक्षक दिवस की महत्ता आज नहीं, पहले भी थी और हमेशा आगे भी रहेगी। बिना शिक्षक के एक बालक का विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार से माता अपने बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, उसी प्रकार बच्चे को समाज में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शिक्षक अपने कार्य को भली भांति कर रहा है, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकों के सामने चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों का सामना डटकर करना है। और कोरोना एक चुनौती के रूप में आया है, लेकिन मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आकर चली भी जाती हैं, तो शिक्षक समुदाय से भी मेरा आग्रह है कि इस कोरोना काल में धैर्य बनाए रखें। वापस वो दिन आएंगे, वो दिन अवश्य आएंगे। और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप अपने अध्ययन को जारी रखें, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई जो भी ऑनलाइन चल रही है तो नहीं से कुछ अच्छा होता है, और जल्दी ही हम पुरानी पटरी पे हमारी गाड़ी लौटेगी। मोस्ट प्रोबेबली 21 सितंबर के बाद स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे, पहले अपर क्लासेस के होंगे, उसके बाद फिर उससे छोटी क्लासेस के होंगे, फिर और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पुरानी प्रक्रिया में ढल जाएंगे। बाकी बच्चों से और समाज के लोगों से यही है कि स्टे होम, स्टे सेफ, आप अपने गुरुजनों का आदर करें। शिक्षक वो मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उस कहावत को, उस प्रक्रिया को शिक्षक बना रहने दें। और वह चुरू जिले के सरदार शहर के भीमसर गांव की गौशाला के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार उड़सर लौडेरा निवासी पुनीत कुमार 18 वर्षीय पुत्र महेंद्र कुमार जाट बाइक में सवार होकर पुनसीसर छोटा से अपने गांव उड़सर आ रहा था कि भीमसर गांव में सामने से आ रही पिकअप चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके कारण पुनीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दो भाइयों में बड़ा पुनीत कुमार की एक बहन है। पुनीत के परिवार के लोग खेती का कार्य करते हैं। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। एक्सीडेंट का क्या मामला है? आज शाम को करीब 4 बजे की घटना है। एक मोटरसाइकिल चालक पुनसीसर की तरफ से आ रहा था, सामने से भीमसर की तरफ से एक पिकअप तेज गति और लापरवाही से आ रही थी, और जिसने टक्कर मारी। मोटरसाइकिल चालक पुनीत नाम के लड़के की मौके पर मौत हो गई, जिसकी परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद PM कार्रवाई की।
लास्ट अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की गई। चुरू जिले के सरदार शहर के भोगेरा गांव में शुक्रवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसको कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार भोगेरा निवासी नौरंगा राम मेघवाल 45 वर्षीय पुत्र दीपा राम मेघवाल खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी और नौरंगा राम को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। कुछ देर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। अब खबर जैसलमेर जिले से। भनियाना तहसील के ग्राम पंचायत भांदेवा से लौंगासर स्थित कर्माइयों की ढाणी जाने वाला आम मार्ग क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्माइयों की ढाणी निवासी दोसू भाई जुनेजा ने बताया कि आम मार्ग का डामरीकरण नहीं होने से मार्ग जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहां आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुनेजा ने बताया कि आम मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिनसे यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार लौंगासर स्थित कर्माइयों की ढाणी में अनुमानित 250 घरों की आबादी निवास करती है। यहाँ के बच्चे भी बांदेवा स्थित सीनियर स्कूल में अध्ययन करने जाते हैं, जिनसे बांदेवा लौंगासर के बीच में पड़ने वाला आम मार्ग कच्चा होने की वजह से वाहन चालकों एवं इन पर चलने वाले पैदल राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोसू भाई जुनेजा ने बताया कि हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, लेकिन इस मार्ग को किसी ने सुध नहीं ली, जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे अनचाही घटना का कारण भी बन सकते हैं। और मतलब ये नज़ारा है, बांदेवा से कर्माइयों की ढाणी लौंगासर जाने वाला रास्ता है। ये रास्ता कच्चा है, पक्की सड़क है नहीं, कई सालों से मतलब कच्चा पड़ा है रास्ता और सड़क तो बनी नहीं है। इस रास्ते में बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है और पानी भर जाने के कारण मतलब वाहन गुजरना भी मुश्किल हो जाता है और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हमारे जो कर्माइयों की ढाणी लौंगासर में लगभग 250 से 300 घर की आबादी है, उन सबको बड़ी परेशानी हो रही है। ये मतलब एक ही गड्ढा नहीं, इस प्रकार का 5 किलोमीटर की दूरी में 8-10 गड्ढे, जिनमें से तकरीबन 5 फीट गहरा पानी भर जाता है। अच्छा। और बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी में ना तो मतलब बाइक निकल सकता है और ना ही बड़ी गाड़ी भी नहीं निकल सकती, जैसे वॉलर वगैरह, वो भी निकलने में प्रॉब्लम होती है। और वैसे स्कूल की गाड़ियाँ भी गुजरती है और स्कूल के बच्चे भी इसी रास्ते से आते हैं, तो कोई बच्चे अगर पैदल आते हैं तो उनको बड़ी इससे आगे ये जो नज़र आ रही है स्कूल है, और इससे आगे कितनी दूरी तक आगे रोड है? डामर रोड? डामर बिल्कुल है ही नहीं, और मतलब कंकर वाली रोड है, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक है, इमाम नगर तक है। और यहाँ से मतलब हमारी ढाणी जो कर्माइयों की ढाणी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर तक ही आगे मुरुड भी नहीं है, आगे बिल्कुल कच्चा रास्ता है, जहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा पानी भरा रहता है, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है। जयपुर के विद्याधर नगर निगम जोन में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक कर रहे हैं अपनी मनमानी, सफाई कर्मचारियों से ले रहे हैं ऑफिस कंप्यूटर का वर्क। आपको बता दें कि निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि नगरीय निकाय में गैर सफाई के कार्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य पर ही लगाया जाए। विभागीय निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग की शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र में बार बार चेतावनी दी गई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में चयनित सभी सफाई कर्मचारी से सफाई का कार्य ही लिया जाए। किसी भी नगरीय निकाय में शिकायत आने पर बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई की जाएगी। डीपी के पत्रकार से बातचीत में नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि 2018 में जिन लोगों को सफाई कार्य में भर्ती किया गया था, उनसे सफाई कार्य संबंधित कार्य ही लेना चाहिए। अगर ये किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो जांच करवाएंगे। डीपी के संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि सीएसआई ने 2018 में भर्ती सफाई कर्मचारियों को अपने ऑफिस में कार्य करवा रहे हैं, इस पर कमिश्नर ने कहा कि पूरे नगर निगम में इस प्रकार से अगर सफाई कर्मी से काम लिया जा रहा है तो हम निश्चय ही उन्हें सफाई कार्य में लगवाएंगे।
डीपी के संवाददाता ने कहा कि विद्याधर नगर जोन में इस प्रकार की बातें देखने को क्यों मिल रही हैं। इस पर कमिश्नर ने कहा कि आपने ध्यान दिलाया है, पता करते हैं, जांच करवाएंगे और जांच में कोई जोन विशेष में करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यार मेरे पास शिकायत आ गई 4-5 बार। आपको कोई थोड़ी लिंक है। वेद प्रकाश जी आपकी कहाँ पर ड्यूटी है? हैं? आप सफाई कर्मचारी हो ना? हाँ। हैं? तो आपकी कंप्यूटर पे थोड़ी ड्यूटी रहेगी? कंप्यूटर पे ड्यूटी रहेगी? नहीं, आज तो है शनिवार है, कंप्लेन निकलवाने के लिए आया हूँ। काई की कंप्लेन? राजस्थान संपर्क। आप यहाँ पर जब से काम कर रहे हो ना, हाँ। मेरे पास आपकी फुटेज है, मैंने गुप्ता जी से बात कर ली है, और मैडम आपकी भी ड्यूटी है नारी के नाके में। मेरी तो आया तब जी सर्किल से और तो आप जाते क्यों नहीं हो? जाती हूँ सर। कहा जाते हो आप? तो यहीं रहते हो। सर्किल से और टैक्सी स्टैंड तक जाके मेरी पूछो, किसी से भी। किससे पूछूं? वहाँ पे पूछ लो, जो नंबर पे है दुकानें वगैरह उनसे पूछ लो सर। नंबर पे नहीं, आपका इंस्पेक्टर बोल रहा मेरे को। कौन इंस्पेक्टर? मेरा इंस्पेक्टर कौन? कौन है मेरा इंस्पेक्टर? कोई भी हो, XYZ। आप ताऊजी सर्किल से और टैक्सी स्टैंड तक मेरे साथ चलो और वहाँ दुकानें वाले। आपकी ड्यूटी वहाँ नारी के नाके में लगाई थी? नारी के नाका मैं जानती नहीं, नारी का नाका। अजी पहले लगाई थी आपकी, समीर जी ने आपकी चेंज कर दी थी। प्रकाश जी आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, ठीक है ना? हाँ। जो आप सिस्टम पे बैठो, आप हो सफाई कर्मचारी। गुप्ता जी से मेरी बात होगी, मंडे को मैं काम करूँगा, ठीक है ना? मेरे पास खबर है, खबर चलाऊँगा मैं। अच्छा। आपके जो ऑर्डर आए हुए ना लिस्टों के, वो ऑर्डर मेरे पास है। आप गुप्ता जी से बात कर लेना, ठीक है ना? कहाँ रुकता जी? हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस कब तक आएंगे? कोई पता नहीं, मीटिंग में गए हो? पता नहीं। हेड ऑफिस बताओ, कोई काम हो? काम तो नहीं ना। हेड ऑफिस ही। हेड ऑफिस। हेड ऑफिस फोन भी नहीं उठा रहा, फोन कर रहा। फोन तो हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में था, मीटिंग में बैठा। जयपुर शहर के विद्याधर नगर जोन के अंदर जो 2018 के अंदर सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली थी वाल्मीकि समाज की, जिसमें काफी अदर कास्टें भी ने भी ज्वाइनिंग की है इसके अंदर। एक मेरा ये सवाल था सर, सफाई कर्मचारियों को वार्ड में ही सफाई के लिए रखा गया है या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वर्क करवाया जा रहा है? देखिए, जो सफाई कर्मियों की भर्ती है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हों, अगर उन्होंने सफाई कर्मी के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है तो स्वाभाविक रूप से उनको सफाई से संबंधित कार्य में ही लगाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है और इतर कार्य अगर कोई लिया जा रहा है या वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली ना दे करके और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग विस्तृत इसकी जांच करवाते हैं सर। और अगर इतर कार्यों में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्मिकों को इतर कार्यों से हटा करके सफाई कर्मियों में लगाया जाए। सर DMD आपके DMD द्वारा भी, दीपक नन्नी जी है उनके द्वारा भी नोटिस जारी किया गया भाई, जिस सफाई कर्मचारी को ऑफिस में कार्य के लिए लगाया जा रहा है निश्चित रूप से उनकी भी, जिनको सफाई के लिए भर्ती किया गया है उनके सफाई से संबंधित ही कार्य लिया जाना चाहिए। और अगर किन्हीं क्षेत्रों में ये नहीं हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल जांच करवा करके और इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि वही कार्य हम सके। और जबकि CSI गुप्ता जी है और एक पवन कुमार है,
उन दोनों ने ही अपने ऑफिसों में ही वर्क करवा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग पूरे उनके ऊपर सब कोई बल्कि पूरे ही नगर निगम क्षेत्र में अगर कहीं भी इस प्रकार से इतर कार्य लिया जा रहा है तो हम निश्चित रूप से उनको सफाई से संबंधित कार्यों में ही लगवाएंगे। ये सर ज़्यादा विद्याधर नगर जोन में ही देखने को क्यों मिल रहा सर ऐसा? देखिए ये तो पता कर लेते हैं, अभी आपने बात ध्यान में लाई है तो निश्चित रूप से जाँच करवा के अगर विशेष तौर पर किसी जोन विशेष में इस प्रकार की है तो इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।